भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला बेंगलोर की धरती पे स्टार्ट हुआ। मगर दोस्तों भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते चले गए, मगर फिर अगले ही पल श्रेयस अय्यर ने आके पारी को संभाल लिया। और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 48 ओवर के आखिरी गेंद पे तो दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया और गेंद को स्टेडियम से बाहर पहुंचा दिया और श्रेयस अय्यर की बदौलत भारतीय टीम इस स्कोर तक पहुंच पाई है। अब भी श्रेयस अय्यर को महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए मैदान पे आए, मगर दोस्तों दोनों बल्लेबाज मात्र 19 रन बना पाए मिलकर के। उसके बाद दोस्तों हनुमा विहारी ने 31 रन बनाए जबकि विराट कोहली ने 23 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने टेस्ट मुकाबले को T20 मुकाबला बना दिया और 26 गेंदों में 39 रन उड़ा दिए। उसके बाद दोस्तों मैदान पे तूफान आया श्रेयस अय्यर का। श्रीलंका की ओर से 48वां ओवर डालने के लिए आए थे धनंजय डिसिल्वा। दोस्तों आखिरी गेंद पे ऐसा छक्का लगाया, दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया और स्टेडियम से गेंद को बाहर पहुंचा दिया और अपने 50 रन पूरे कर लिए। फिलहाल दोस्तों श्रेयस अय्यर 96 गेंदों पे 91 रन बना के अभी भी नाबाद है और भारत का स्कोर 252 रन हो चुका है 9 विकेट के नुकसान पे 59 ओवर में।